hello students this is the third video of lesson number 15 area in this video we are going to learn how to find the area of a trapezium activity is given draw a trapezium abcd on the paper such that segment ab is parallel to segment dc see in the diagram segment ab is parallel to segment dc that is the only definition of a trapezium what is the meaning of trapezium a geometrical figure or a quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel to each other and other two are not parallel okay such a geometrical figure is called as trapezium okay now here

okay means here segment ap and segment bq are drawn perpendicular to segment dc such a way that they will pass through the vertex a and here vertex b okay such a way so let length of ap length of ap is equal to length of bq is equal to h how they are equal because as the सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट डी सी आर पैरल सो द डिस्टेंस बिटवीन एन दीज टू पॉइंट इज इक्वल सो दिस सेगमेंट ए पी एंड क्यू आर कंसिडर्ड एज एच एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम उसको हाइट कंसिडर किया है ओके देन हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरल साइड दोनों पैरल साइड के बीच बीच में जो डिस्टेंस होता है ओके okay, उसको क्या कंसिडर किया है हाइट आफ्टर ड्रॉइंग द इन क्वार्टरलैटरल ए बी सी डी इट्स एरिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट ओके अब ये दोनों हाइट ड्रॉ करने के बाद दिस ट्रेपेजियम गॉट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट यू कैन सी एफ ट्राइंगल ए पी डी ट्राइंगल बी क्यू सी एंड दिस रेक्टेंगल ए बी क्यू पी थ्री पार्ट्स Okay, triangle, triangle. Okay, and out of that, these two triangles are right angle triangles because this is ninety degree, this ninety degree, as it is a straight line. Okay, so triangle A P D is right angle triangle. Triangle B Q C is also right angle triangle. Okay, then quadrilateral A B Q P is a rectangle. A B Q P is a rectangle. राइट दे पी एंड क्यू आर ऑन सेगमेंट डी सी जिस पर पॉइंट पी एंड क्यू दे आर ऑन द सेगमेंट डी सी ओके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओके अब ये ट्रापेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है ओके okay, एक सिंपल तरीके से जैसे सपोज वी कंसिडर दैट हम लोगों को फॉर्मूला मालूम नहीं है ओके देन व्हाट वील हैव टू डू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल वी वी ऑलरेडी वी हैव लर्न ओके दिस राइट एंगल ट्रेंगल एंड देन एरिया ऑफ रेक्ट ओके यानी ये तीनों का एरिया फाइंड आउट करो वन टू थ्री और उसका एडिशन करो वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी राइट अब देखते उससे ये तीनों का एरिया और वो नहीं तो उनके फॉर्मूलेस एक साथ लेकर कौन सा नया फार्मूला बनता है लेटेस्ट सिक ओके एरिया ऑफ ट्राइपेजियम एबीसीडी एबीसीडी का एरिया क्या है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओके ए पी डी का एरिया ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू पी ए बी क्यू पी यानी ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी ओके यानी पहले ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ये तीनों का एडिशन का मतलब क्या है एरिया ऑफ एबीसीडी। ओके। नाउ इन प्लेस ऑफ द दिस देयर आर ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी एपीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल उसका फॉर्मूला क्या है वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वट इज बेस डीपी ओके सो वन हाफ इंटू लेफ डी मल्टीप्लाइड बाय AP AP means is nothing but only uh, what is it? H that we have considered here. Okay. So this is the area of triangle APD. Then area of rectangle, length multiplied by breadth, formula. Okay. So what is length? Pq multiplied by breadth. Is the trap is M K height. So PQ, length of PQ multiplied by height. प्लस बीक्यू सी का एरिया वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो वन हाफ इंटू बेस बेस इज नथिंग बट क्यू सी मल्टीप्लाइड बाई हाइट हाइट मीन्स बी क्यू ओके दैट वी आव कंसिडर्ड एज एच यर राइट ओके अब इसमें और और क्या शॉर्ट किया है यर यू कैन सी नफ ओके नाउ इन ऑल दीज थ्री फॉर्मूलाज यह चीज कॉमन ओके सो एच इज टेकन आउट ओके और बाकी जो बा, बाकी जो बची टर्म्स है दे आर पुट इन द ब्रैकेट ओके सो ये टेकन कॉमन यच कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वन हाफ इंटू डी पी यहां पर प्लस पी क्यू प्लस वन हाफ इंटू क्यू सी वन हाफ इंटू क्यू सी ओके देन आफ्टर दैट दिस वन हाफ इज ऑल्सो टेकन कॉमन ओके अब इससे अगर वन हाफ निकाल लिया पी क्यू का तो उसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो क्यू क्या वो किया इधर ओके यानी वन हाफ कॉमन लिया और पी क्यू को टू से मल्टीप्लाई किया यानी वो बैलेंस हो गया उसका तो वन हाफ कॉमन ले लिया तो वन ऑलरेडी ये चीज टेकन आउट कॉमन और वन हाफ भी लिया ओके okay, तो वन हाफ निकालने के बाद यहां पर क्या बचता है ओनली डीपी प्लस ट्वाइस लेफ पी क्यू क्योंकि यहां पर वन हाफ नहीं है ना इसीलिए उसको डबल करना पड़ा प्लस यहां से वन ऑफ निकाला है यहां पर क्या बचता है सिर्फ क्यू सी ओके देन वन हाफ इंटू एच ये तो कॉमन बाहर है ओके लेंथ ऑफ डी पी एज इट इज प्लस ट्वाइस लेफ पी क्यू ये जो ट्वाइस लेफ पी क्यू है ओके okay, तो उसको क्या किया उन्होंने लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू क्यू प्लस एबी ये कौन से ऑपोजिट ऑपोजिट पैरल साइड ओके थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाता हूं पी क्यू एंड ए बी राइट ट्वाइस पी क्यू यानी दो बार पी क्यू तो उसके बदले में क्या लिया एक बार पी क्यू लिया और एक बार ए बी लिया राइट दैट इज वॉट इट इज रिटर्न यर प्लस लेंथ ऑफ क्यूसी क्यूसी इज टेकन एज इट इज डाउन साइड राइट ओके okay. उसका रीजन क्या दिया है पी क्यू इज इक्वल टू बी वो डिस्टेंस इक्वल ठीक है देन वन ऑफ इन टू एच एज इट इज डाउन ओके इन ब्रैकेट लेंथ ऑफ इट इज प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू ओके प्लस एबी का मतलब क्या है ओके okay. एबी बाद में लिया है ओके okay. यहां पर एबी यहां पर लिया है क्यू सी यहां पर लिया है. और ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है के सिर्फ इंटरचेंज किए उसकी जगह ओके दैट इज अलाउड ओके देन वन हाफ इंटू एच एज इट इज आउटसाइड देन लेंथ ऑफ़ डीपी प्लस पी क्यू ओके प्लस क्यूसी ये तीनों की एडिशन डीपी प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यूसी ओके वॉट इज इट देखो डीपी प्लस पी क्यू प्लस क्यूसी उसका मतलब क्या है DC DC डीसी मीन्स वंस बेस ऑफ द ट्रेपीजियम राइट सो डीपी प्लस पी क्यू प्लस क्यूसी का मतलब क्या है डीसी प्लस AB, AB मतलब क्या है अपोजिट पैरल साइड ओके सो दिस इज वॉट द फॉर्मूला इज अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है ओके अस अंडरस्टैंड नाउ एरिया ऑफ कॉडोलैट्रल एबीसी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू वन हाफ मल्टीप्लाइड बाय ओके तो ये एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉट यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये क्या है डी सी क्या है वॉट इज इट पैरल साइड ए बी क्या है पैरल साइड ये दोनों पैरल साइड है ना सो सम ऑफ द सम मीन्स एडिशन सम ऑफ द लेंथ ऑफ पारल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम राइट क्या फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्ल टू वन हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द लेथ ऑफ पैरल साइड्स यानी जो दोनों पैरल साइड्स हैं ओके उनके ले की एडिशन सम मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ओके यानी वो तीन तीन बार एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं बस एक फॉर्मूला यूज करो दिस फॉर्मूला यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपिजियम राइट ओके देन नाउ आफ्टर दिस नाउ इन दिस केस ओनली यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखो ओके okay? फॉर्मूला कैसे मिला वो तो ध्यान में अगर रखा तो अच्छी बात है ओके okay? लेकिन नहीं हुआ तो कम से कम इतना फॉर्मूला ध्यान मेरे को देन आफ्टर दैट सॉल्ड एग्जाम्पल इज देट ओके इट्स सोल्यूशन इज ऑल्स गिवन ओके प्रेपेजियम में एरिया कैसे फाइंड आउट करना है राइट देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्टीन पॉइंट थ्री इज देट इन प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्टीन पॉइंट थ्री टोटल थ्री एग्जाम्पल्स आर देट ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स विल बी एक्सप्लेन वन बाय वन ओके वॉट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन दैट इन क्वारल ए बी सी डी क्वारल ए बी सी डी ओके इसमें दो अपोजिट साइड पैरल है मीन्स इट इज ए ट्रेपीजियम ओके ए बी इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर देन डी सी इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर ओके लेंथ ऑफ एडी एडी द डिस्टेंस बिट्वीन टू पैरल साइड ओके उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग हाइट ओके इट इज एट सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डरलैटरल एबीसीडी तो ये जो कॉड्रोलैटरल एबीसीडी इसका एरिया फाइंड आउट करना है सो व्हाट टाइप ऑफ कॉर्डरलैटरल इट इज इट इज अ ट्रेपेजियम ओके ये दोनों पैरल साइड ये उनके हाइट ट्रेपेजियम के हाइट ओके देन बाई यूजिंग द फॉर्मूला वी हेव टू फाइंड आउट ओके नाउ इन एग्जाम्पल नंबर वन वट थिंग्स आर गिवेन दैट सेगमेंट ए बी इज पैरल टू सेगमेंट डी सी ओके बिकॉज दिस वी हाव टू अंडरस्टैंड इट की कौन सी सेगमेंट किस को पैरल है यानी साइड सेगमेंट के बदले में यहां पर साइड बी बोल सकते हैं साइड ए बी इज पैरल टू साइड डी सी ओके दिस वे ऑल्सो वी कैन मेक द स्टेटमेंट ओके देन वट आर द गिवन थिंग्स लेफ ए बी इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर

देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया क्या है इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेफ पैरल साइड्स ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट

And multiplied by height. Height. What is uh, what is the height means length of AD. Right. So therefore e is equal to one upon two multiplied by bracket me kya What is the length of AB? That is thirteen centimeter plus length of DC is nine centimeter. Okay. Multiplied by length of AD is eight sorry, eight centimeter. Okay. E is equal to 1 upon 2 multiplied by 13 plus 9 it is 22 okay multiplied by 8 All right Iska division karo 2 are 2 2 11 right okay then what is remaining here is equal to 11 multiplied by 8 11 multiplied by 8 is equal to 88 square centimeter. So, final answer area of quadrilateral ABCD is equal to 88 square centimeter. Right? Now, let us move to example number 2. In example number 2, what is asked?

बाई यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया राइट ओके फर्स्ट वॉट थिंग्स आर गिवन दैट वी वील राइट ओके सो ले टू पैरल साइड ऑफ ट्रेपेजियम क्योंकि वो जो दिया है वो ट्रेपीजियम ही है आर Eight point five centimeter and eleven point five centimeter. Okay, I be a decimal ye SR figures and its height is four point two centimeter. Okay. So therefore now directly we can uh, Find the area because all the values are given here. So, therefore, area of trapezium is equal to one half into sum of the lengths, sum of the lengths of parallel sides multiplied by height multiplied by height this is the formula for finding area of trapezium okay is equal to one half multiplied by okay what is the sum what are those 8.5 centimeter plus 11.5 centimeter okay multiplied by what is the height 4.2 centimeter okay is equal to one half मल्टीप्लाइड बाई एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो इलेवन प्लस मल्टीप्लाइड टू सेंटीमीटर ओके सो यारीस टू कैंसल कैंसल हाउ दैंसल टू वन सा क्या बचता है इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.2 centimeter. Okay. Is equal to 4.2 multiplied by 10. Answer you will get 42 and centimeter multiplied by centimeter it is square centimeter. Okay. So this is the area of the given trapezium. So final answer area of trapezium is 42. स्क्वेर सेंटीमीटर ओके नाउ लेटेस्ट मूव टू एग्जांपल नंबर थ्री ओके एग्जांपल नंबर थ्री क्वार्रैटरल पी क्यू आर एस क्वार्रोलैट्रल पी क्यू आर एस फॉर अंडरस्टैंड द फिगर ओके इज एन आइसोसेलर स्ट्रेपेजियम ओके आइसो सेलस आइसो में मालूम है क्या वेन टू साइड्स आर इक्वल ओके देन लेकू से डायग्राम ऑल्सो देगमेंट पी एम पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर ओके देन लेंथ ऑफ एस एम एस एम इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर यहां की लेथ दी है सिर्फ एस एम इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ओके व्हाट इज गिवन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज फोर सेंटीमीटर यानी ये जो दोनों पैरेलल साइड्स है उनके इन बिटवीन दैट वट एवर डिस्टेंस इज दैट इज फोर सेंटीमीटर मतलब क्या है हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज फोर सेंटीमीटर देन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वारल पी क्यू आर एस ओके तो हमें क्या निकालना है आप देखो हमें क्या चाहिए फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओके, द लेंथ ऑफ द टू पैरल साइड ओके पी क्यू की लेंथ मालूम है नाउ ओनली वी वॉन्ट लेंथ ऑफ एस आर ओके एस आर की लेंथ चाहिए उसमें से एस एम की है, तो एम आर की चाहिए ओके सो अस फाइंड आउट ओके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल ड्रॉ द डायग्राम ने वो समझ में आएगा और ट्रेपेजियम कैसा है आइसोसिलस ये इसको कंसीडर नहीं करना ओके नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज पी क्यू आर एस ओके दिस इज द हाइट दिस आल्सो विल का, हियर आल्सो वन मोर हाइट वी विल ड्रॉ ओके दिस इज गिवन थ्री सेंटीमीटर दिस इज गिवन फोर सेंटीमीटर दिस इज गिवन 7 centimeter. Okay. Let this point be N. Okay. P, Q, R, N. And here is the point. Ka diya hai. It is given in the question only M. Okay. This way. Okay. Now let us mention the given things quadrilateral P, Q, R, S is an, is an isosceles. आइसोसेलस ट्रेपेजियम ओके उसका मीन्स ओके मोर वॉट थिंग्स आर गिवन लेंथ ऑफ़ इज़ इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ओके और इट इज गिवन लेंथ ऑफ़ इज़ सेवन सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ़ लेफ एसियम इज गिवन थ्री सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ पी एस इज गिवन एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू लेफ क्यू आर दोनों हाइट है ना इज इक्वल टू लेफ क्यू आर इज इक्वल टू वट लेंथ इज गिवन इट इज फोर सेंटीमीटर राइट बिकॉज दिज बोथ बोथ ऑफ दीज आर हाइट ओके देन ड्रॉ क्यू एन यहां पर जो हमने पहले ड्रॉ करके रखिये क्यू क्यू एन परपेंडिकुलर टू साइड एस आर एस आर जो जिसको हमने हाइट कंसीडर किया है ओके okay, यहां पर क्यू एन ओके ऑलरेडी वी हैव देन डिस्टेंस बिटवीन देन क्यू आर वी हैव टेकन फोर सेंटीमीटर ओके देन अब राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है कौन सा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी एम एस ओके पीएमएस मैं दिखाता हूं वापस पी एम एस पी एम एस ओके ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो फोर थ्री तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ओके okay. पीएमएस में क्या है एंड ट्राइंगल क्यू एन आर अब ये दो ट्राइंगल कंपेयर करने दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल ओके बिकॉज इट इज आइसोसेला ट्रेपेजियम ट्राइंगल पीएमएस एंड क्यू एन आर उसमें क्या है हाइपोटोनस पी एस इज कॉन्ग्रेन टू सेगमेंट क्यू एन सॉरी िस पी एस इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटो हाइपोटोनिस हाइपोटोनिस क्यू आर ओके वट इज द मीनिंग हाइपोटोनिस पीएस एस इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटोनिस क्यू आर क्योंकि आइसोसेल आइसोसेलिस का मतलब वही है ओके okay? ये दोनों साइड कांग्रेन राइट सो व्हाट एवर द लेंथ ऑफ पीएस इज दे द सेम लेंथ विल बी ऑफ क्यू आर ओके और क्या क्या है साइड पीएम इज कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यूएन ओके अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में फिगर ऑब्जर्व करो ओके okay, पीएम और क्यूएन वो दोनों कांग्रेन हैं इसके कारण क्या बोल सकते हैं हम लोग ट्राइंगल पी एम एस is congruent to triangle Q and Okay. By, by which method? Test of the agility. That we have learned in the last topic. By hypotenuse side test. Okay. Last fifth test we have, we have learned this. Hypotenuse side test. Okay. And by that relation, length of N R is equal to length of S M. ओके okay, मैं दिखाता हूं आपस स्पीकर में लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है ओके बाय देन देयर बेसिस आर आर कॉन्ग्रेंट सो लेंथ ऑफ एम इज इक्वल टू लेंथ एन आर ओके तो एनआर की लेंथ कितनी आएगी थ्री सेंटीमीटर

अब इसमें ये फोर सेंटीमीटर है ब्रेथ ये सेवन सेंटीमीटर है ओके okay. अगर ये सेवन सेंटीमीटर है तो ओके नेचुरली वी विल प्रूव इट ओके रेक्टेंगल है है ऑफ़ एम एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ओके अगर समझो आई विल टेक यू टू फिगर थ ऑ ऑफ एम एन इज इक्वल टू ये दोनों सेम है तो अगर इसकी लेंथ सेवन सेंटीमीटर है तो नेचुरली दिस ऑल्सो सेवन सेंटीमीटर एंड दिस वी हेव प्रूव थ्री सेंटीमीटर ओके हमें क्या चाहिए हमें इसकी चाहिए पूरी, ये सर की ओके सो फॉर दैट पर्पज ऑल दिस इज गोइंग ऑन ओके तो हमने ये प्रूव किया ये सेवन सेंटीमीटर है ये प्रूव किया हमने ये थ्री सेंटीमीटर है अब हो गया अपना काम ओके okay? तो हम लोग डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके देन देर फोर लेंथ ऑफ एस आर ऑफ एस आर इज इक्वल टू लेस एम प्लस लेंथ ऑफ एम एन प्लस लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर प्लस सेवन सेंटीमीटर प्लस Three centimeter is equal to thirteen centimeter. M thirteen centimeter. Now we are free to use the formula area of trapezium is equal to one half into sum of the lengths of sum of the lengths of parallel sides. मल्टीप्लाइड बाई हाइट राइट इज इक्वल टू वन हाफ मल्टीप्लाइड बाई व लेंथ ऑफ दल साइड तो एक हमने कैल्कुलेट की है थर्टीन सेंटीमीटर ओके प्लस एक की ऑलरेडी दी है सेवन सेंटीमीटर ओके मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑलरेडी इट इज गिवन इन एग्जाम्पल फोर सेंटीमीटर राइट इज इक्वल टू वन हाफ मल्टीप्लाइड बाय थर्टीन प्लस सेवन दी सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू टू वन झा टू टू टेन जाक्वल टू क्या बचा है ओनली टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन फोर झा फोर्टीन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इट इज सेंटीमीटर ओके सो फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वार्टरैटरल क्या नाम है क्वार्टरैटरल का पी क्यू आर एस इज इक्वल टू फोर्टी स्क्वेयर सेंटीमीटर ओके सो यर आवर प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्टीन पॉइंट थ्री गेट्स ओवर ओके आई विलकम विथ द न्यू वीडियो द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल And in that 15.4 practice set will be solved completely. Okay. Till then, thank you.